हेलो एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी जेनेटिक कोड इन दिस वीडियो और इसमें आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शंस की देन वी आर गोइंग टू स्टडी द रीजन वाई आर जेनेटिक कोड इज़ अ ट्रिपलेट कोड ऑन देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट सीलियन फीचर ऑफ जेनेटिक कोड्स हैंड रिटन नोट्स विल बी देयर जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको इसके आंसर्स कैसे लिखने हैं एंड देन वन क्वेश्चन विल बी देयर फॉर यू एज अ क्विज जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में सो वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी और मैं हूँ शीलू पचौड़ी तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं जेनेटिक कोड्स को अब आपको पता होगा कि डीएनए में दीज बेसिस आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस जिसको हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए में ट्रांसफ़र होती है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर और इस एमआरएनए में जितने भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे ये तीन तीन के सेट्स बनाकर ट्रिपलेट कोडॉन्स बनाते हैं इट मीन्स कोड वर्ड्स बनाते हैं द कोड फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स इसीलिए हम इनको कहते हैं कोडॉन्स

नो फ्रेंसिस क्रिक ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कॉन्सेप्ट ऑफ कोडॉन्स इन 1961 इसके बाद जॉर्ज केमाउ ने ये बताया कि देयर आर 20 डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स और ये 20 अमीनो एसिड्स 64 अलग-अलग टाइप के कोडॉन्स से कोड होते हैं वी ऑल नो दैट देयर आर फोर डिफरेंट काइंड ऑफ नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए दीज आर एडेनिन थायमिन गुआनिन एंड साइटोसिन और अगर हम आर की बात करते हैं तो द फोर नाइट्रोजन बेसिस इन आर एन आर एडेनिन यूरेसिल गोनाइन एंड साइटोसन अब हमारी बॉडी में टोटल ट्वेंटी अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं एंड दीज अमीनो एसिड्स आर कोडेड फ्रॉम दीज फोर डिफरेंट काइंड ऑफ नाइट्रोजन बेसिस एंड द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ सच जेनेटिक कोड इज़ टू इंडिकेट हाउ द इंफॉर्मेशन रिटर्निंग दीज फोर लेटर लैंग्वेजेज कैन बी ट्रांसलेटेड इन 20 डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स तो जिस कॉम्बिनेशन में ये अरेंज होंगे इसको हम कहेंगे कोड अब हम कैसे फाइंड आउट करें वेदर दीज कोड्स आर सिंगलेट डबलेट और ट्रिपलेट तो एक एक करके हम सारी सिचुएशन समझते हैं क्या होता अगर हमारे कोडॉन्स सिंगलेट होते देन दे वुड बी फोर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज एडीनिन साइटोसिन क्यूनाइन और यूरिसल अगर सिंगलेट होते दैट मीन्स एक बेस किसी एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता तो हमारे पास सिर्फ फोर ही अमीनो एसिड्स मिलते दैट मीन्स वी विल गेट ओनली फोर कोडॉन्स एंड दीज फोर कोडोन्स विल कोड फॉर फोर अमीनो एसिड बट वी ऑल नो दैट देर आर ट्वेंटी अमीनो एसिड्स ट्वेंटी अमीनो एसिड्स हैं तो फोर कोडॉन्स कैन नॉट कोड फॉर ट्वेंटी कोडॉन्स तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे कोडोन सिंगलेट नहीं होते अगर हमारे कोडोन्स डबलेट होते दैट मीन्स

थ्री लेटर्स विल कोड फॉर वन अमीनो एसिड तो हमारे को टोटल 64 अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेंगे विच इज़ क्वाइट पॉसिबल एंड दीज 64 फोर कोडॉन्स कैन कोड फॉर ट्वेंटी डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स अगर हमारे जेनेटिक कोड ट्रिपलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट हों दैट मीन्स थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ नाइट्रोजन बेस विल मेक वन कोडॉन तो हमारे को टोटल 64 अलग टाइप के कोडॉन्स मिलेंगे एंड दीज 64 फोर कोडॉन्स आर शोन इन दिस इमेज यहाँ पर वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें ये कंबाइन करके 64 अलग अलग कोडॉन्स बनाएंगी अमंग दी 64 फोर कोडॉन्स सिक्सटी वन कोडॉन्स ऐसे होते हैं जो 20 डिफरेंट काइंड के अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं एंड द नेम ऑफ दिस 20 अमीनो एसिड्स आर शोन हेयर इन दिस टेबल एंड थ्री कोडॉन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड जिसको हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन्स द नेम ऑफ स्टॉप कोडॉन्स इज रिटन हेयर दैट इज़ यू ए ए जी एंड यू जी ए ये तीनों स्टॉप कोडॉन्स हैं किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते तो हम इनको नॉन सेंस कोडाउन भी कहते हैं या फिर टर्मिनेटिंग कोडॉन्स भी कह सकते हैं एंड नाउ इस ब्लू कलर से जो हाईलाइटेड है ए यू जी ये होता है हमारा इनिशिएटिंग कोडॉन इनिशिएटिंग कोडॉन का मतलब स्टार्ट कोडॉन तो यहीं से ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी जहाँ पर भी AUG का सीक्वेंस आएगा नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ये एक एम आर एन के है जहाँ पर ए यू जी जी यू यू सी सी यू यू ए द सीक्वेंसेस ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस नाउ अमंग दीज डिफरेंट काइंड ऑफ कोडॉन्स AUG ए यू जी ट्रिपलेट के फॉर्म में कोड करेगा फॉर पिथियोन देन जी यू यू अब हम कैसे देखते हैं इस चार्ट को जी यू के चार्ट में हम यू देखेंगे और इसके सामने हम यू देखेंगे तो जी यू यू इज प्रेजेंट है सो जी यू यू इज कोडिंग फॉर वेलाइन तो अब जी यू यू वेलाइन के लिए कोड कर रहा है देन द नेक्स्ट कोड ऑन इज सी सी यू अब हम कैसे देखेंगे यहाँ पर सी इस कॉलम में हम सी और यहाँ पर सी के सामने हम यू को देखेंगे तो हमें मिल जाएगा सी सी यू दिस सी सी यू इज कोडिंग फॉर प्रोलिन एंड देर इज टॉप कोडोन दट इज यू ए विच डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड तो यहाँ पर यह प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी नाउ लेट एस डिस्कस दिलियंट फीचर ऑफ जेनेरिक कोड्स वन बाई वन दस्ट वन इज दीज कोडॉन्स आर ट्रिपलेट्स वही बात है जो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे कोडॉन्स हमेशा ट्रिपलिट्स के फॉर्म में होंगे दैट मीन्स टी एन एस है जब आर एन ए बनता है और एमआरएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंसेस होंगे, ये ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होंगी दैट मींस तीन-तीन के सेट में दे विल मेक वन कोडॉन और एक कोडॉन किसी एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा जिसे हम कहते हैं ट्रिपलेट्स एंड द सेकंड इज द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग दैट मींस एडजसेंट कोडॉन्स में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती और एक बेस सिर्फ एक ही कोडॉन का पार्ट हो सकता है इट कैन नेवर बिकम अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट कोडॉन एंड द थर्ड पॉइंट दीज कोड्स आर कॉमालैस कॉमालैस का मतलब इन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कोई भी गैप या मार्क्स नहीं होंगे देर इज नो रूम फॉर कॉमा और एनी अदर मार्क्स इन बिटवीन दीज न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंसेज एंड द फोर्थ पॉइंट इज द कोड इज़ यूनिवर्सल दैट मीन्स एम आर एन ए के ये जो कोड ऑनस हैं ये जिस अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं वो सेम होंगे दैट मीन्स दे आर सेम इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स फिर चाहे हम प्रो कैरियोस की बात कर रहे हैं यू कैरियोस की या वायरसेज की इट विल रिमेन सेम इन ऑल द ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए यू जी का एग्जाम्पल लें तो ए यू जी कोड्स फॉर मिथ्योनिन दैट मीन्स ए यू जी मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा फिर चाहे वो प्रो कैरियो हों यू कैरियो हों या फिर वायरसेज हों द फिफ्थ पॉइंट इज द कोड इज डी जेनरेट डीजेनरेट का मतलब एक अमीनो एसिड कई सारे कोडोन से कोड हो सकता है सो वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड फ्रॉम मेनी कोडॉन्स नाउ लेट्स अ लुक इन दिस इमेज यहाँ पर यू कैन सी देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ कोडॉन्स एंड दे बोथ आर कोडिंग फॉर फिनिल सिमिलरली ल्यूसिन के लिए वी हैव सिक्स डिफरेंट काइंड ऑफ कोडॉन्स और ये सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन एक अमीनो एसिड दैट इज ल्यूसिन उसके लिए कोड कर रहे हैं ओनली मिथियोन जो कि ए यू जी से कोड होता है और ट्रिप्टोफेन विच कोड्स फ्राम यू जी जी सिर्फ ये दोनों अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक ही कोडॉन है एंड नाउ द सिक्स पॉइंट इज द कोडॉन्स आर अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक दैट मीन्स एक कोडॉन किसी एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा इट कैन नॉट कोड फॉर मोर देन वन अमीनो एसिड नाउ लेट्स हैव अ लुक इन दिस इमेज यहाँ पर अगर हम यू 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 का एग्जाम्पल लें तो इट इज़ कोडिंग ओनली फॉर फिनिल एलिन ये किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहा सिमिलरली सी यू यू इज कोडिंग फॉर ल्यूसिन एक अमीनो एसिड अलग अलग कोडॉन से तो कोड हो सकता है पर एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा एंड द सेवन पॉइंट इज इट हैज एन इनिशिएशन कोडोन दैट इज ए यू जी इसका मतलब ए यू जी एक इनिशिएटिंग कोडॉन है ये आर एन ए की स्ट्रेन में जहाँ पर भी प्रेजेंट होगा वहीं से ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी प्रोटीन सिंथेसिस वहीं से स्टार्ट होगा एंड दिस ए यू जी कोड्स फॉर मिथ्योनिन एंड द लास्ट पॉइंट इज दे हैव टर्मिनेशन कोडॉन जिसको हम नॉन सेंस कोडॉन्स भी कहते हैं एंड दीज कोडॉन्स आर यू ए एंड यू जी ए इसका मतलब इनमें से कोई भी एक कोडॉन एम आर एन ए की स्ट्रेंड में जहाँ कहीं भी प्रजेंट होगा वहीं पर प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी यू जी ए यू ए ए और यू ए

अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको यूँ ही मिलते रहें थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न विद मी एंड तब तक के लिए बाय टेक केयर